केदारनाथ उपचुनाव प्रचार के आखिरी दिन धामी ने दिखाया पूरा जोर। रुद्रप्रयाग में बाइक रैली निकाल छा गए धाकड़ धामी। गुप्त काशी में धामी को सुनने के लिए उमड़ा भारी जनसैलाब। धामी बोले, कांग्रेस ने लैंड जिहाद को दिया बढ़ावा, घुसपैठियों को यहां बसाया। कांग्रेस का शासन काल पूरी तरह से तुष्टिकरण से भरा हुआ है। इन्होंने देवभूमि में लैंड जिहाद को बढ़ाने का काम किया, अवैध घुसपैठियों को बसाने का घिनौना काम किया है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। केदारनाथ सीट पर उपचुनाव को लेकर के 20 नवंबर को वोटिंग होनी है और 23 तारीख को इसके नतीजे घोषित किए जाएंगे, यानी कि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। और इस दिन देखने को मिला कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी ताकत के साथ चुनावी प्रचार करने के लिए मैदान में दिखाई दिए। इस दौरान न सिर्फ उन्होंने गुप्त काशी में एक जनसभा को संबोधित किया बल्कि रुद्रप्रयाग में एक बाइक रैली भी निकाली। इस बाइक रैली में भी जनता का हुजूम देखने को मिला जो कि पुष्कर सिंह धामी के साथ नजर आया। इसके अलावा आपको बता दें कि जिस तरीके से उन्होंने गुप्तकाशी में जनता को संबोधित किया तो यहां पर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुनने के लिए भारी जनसैलाब देखने को मिला। इस दौरान आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने कांग्रेस सरकार राहुल गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश सिंह रावत पर जमकर निशाना साधा। सीधे तौर पर कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए पुष्कर सिंह धामी ने यह कहा कि कैसे कांग्रेस के कार्यकाल में यहां पर घुसपैठियों को बसाने का काम किया गया, लैंड जिहाद का बढ़ावा यहां पर कांग्रेस के कार्यकाल में ही दिया गया, जिसकी वजह से आज पूरी तरीके से जो उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति है वो खराब हो चुकी है और इसका दोषी कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस की सरकार है। आपको बता दें कि जिस तरीके से केदारनाथ सीट पर उपचुनाव होने हैं तो इसको लेकर के जहां बीजेपी ने अपनी तरफ से आशा नौटियाल को अपना उम्मीदवार बनाया है तो वहीं दूसरी ओर बात अगर हम कांग्रेस पार्टी की करें तो कांग्रेस ने यहां से मनोज रावत को चुनावी मैदान में उतारा है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर यह लड़ाई कैसी होती है और जब 23 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे तो यहां पर किस कौन जीतता है और केदारनाथ की सीट किसके नाम होती है। लेकिन उससे पहले सुनिए कि आखिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैसे न सिर्फ कांग्रेस सरकार पर जोरदार तरीके से प्रहार किया बल्कि दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के भी तारीफ किया और ये कहा कि उनकी सरकार में केदारनाथ घाटी का विकास हुआ और यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा मिला। प्राधिकरण से जुड़े प्रबंधन से किसी भी फैसले को लेने से पहले हम सभी हितधारकों के साथ, स्टेक होल्डर से, तीर्थ पुरोहितों से, होटल व्यवसायियों से, घोड़ा खच्चर संचालकों से, टेंट आदि का काम करने वालों से भी राय शुमारी करेंगे और कर रहे हैं। इसके बाद लागू होने के बाद यात्रा से जुड़ा कोई भी फैसला हम आप लोगों की सहमति के बिना कभी नहीं लेंगे। इसके साथ ही स्थानीय इकाइयां जो हमारे हक हकूकधारी हैं उनके अपने व्यवसाय को सुविस्थित करने के लिए धाम के कपाट खुलने से 2 माह पूर्व भी हम अनुमति देने का प्रावधान करेंगे जिससे उनको उस समय यात्रा के समय में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। दूसरी ओर त्रिजुगी नारायण, ओंकारेश्वर जी, तुंगनाथ जी, काशी विश्वनाथ जी, कालीमठ, कालीशिला, जाग देवता, मंडला माई के ट्रैकों को भी विकसित किया जाएगा। केदार धाम एवं मग्नेश्वर धाम के कपाट बंद होने के बाद इस क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन और आवागमन बना रहे इसका भी लगातार हम लोग प्रयास करेंगे। बाबा तुंगनाथ जी एवं मद्महेश्वर धाम की यात्रा, मैं बोल रहा हूं, मद्महेश्वर धाम की यात्रा को भी केदारनाथ धाम की यात्रा की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। भाइयों बहनों, इसको निकट भविष्य में संचालित किया जाएगा। भाइयों बहनों, आज कहीं भी आपदा आती है, कहीं भी कोई परेशानी होती है तो आप सबने देखा होगा कि हम ग्राउंड जीरो पर जाकर काम करते हैं। ये नहीं कि दूर दूर से कोई समीक्षा करते हो, दूर दूर से निर्देश देते हो। आपने देखा 31 जुलाई की रात्रि को जब यहाँ केदार घाटी में आपदा आई थी उसके तत्काल बाद प्रातःकाल 11 बजे आदरणीय भरत चौधरी जी यहाँ बैठे हैं, सतपाल महाराज जी हमारे मंत्री हैं, हम लोग 11 बजे इसी गुप्त काशी में पहुंचे थे। आप सबके बीच में आकर हमने 16,000 से भी जो यात्री तीर्थ यात्री यहाँ फंसे हुए थे उन सबको सुरक्षित निकालने का काम किया। इतना ही नहीं, हमने यहाँ के जो प्रभावित हमारे व्यापारी थे उनके बैंक खातों में भी तुरंत 10 करोड़ रुपए की धनराशि
तुरंत उनकी सहायता के रूप में उनके बैंक के खातों में डालने का काम भी किया था। भाइयों बहनों, हम कांग्रेस की तरह नहीं है कि 2013 में आपदा आई और आप लोगों को आपके हाल पर छोड़कर चले गए। उस समय ये लोग अपने युवराज का, अपनी पार्टी के शहजादे का इंतजार करते रहे और जो राहत सामग्री यहां आनी थी वो दिल्ली में ही खराब होती रही, सड़ती रही, लेकिन यहां लोग उसका इंतजार करते रहे। भाइयों बहनों, कांग्रेस का शासनकाल पूरी तरह से तुष्टिकरण से भरा हुआ है। इन्होंने इस देवभूमि में लैंड जिहाद को बढ़ाने का काम किया, अवैध घुसपैठियों को बसाने का घिनौना काम किया है। इनकी मानसिकता अभी भी नहीं बदली है। अभी आप, मैं देख रहा था दो दिन पहले, इनकी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी कह रहे थे घुसपैठियों को यहां बसाने में क्या गलत है। एक वीडियो आप सब लोग भी देख रहे होंगे, एक वीडियो में है भाई साहब, कह रहे हमको बसाने में क्या दिक्कत है। किसी हमारी बुजुर्ग महिला से बात कर रहे थे यहीं से, मैं उनसे कहना चाहूंगा, मैं इस बाबा विश्वनाथ के धाम से कहना चाहूंगा कि अब आप सुधर जाइए। आपकी तुष्टिकरण की राजनीति की वजह से ही आज राज्य के अंदर डेमोक्रेसी का संकट पैदा हो गया है, राज्य के अस्तित्व को प्रश्न खड़ा हो गया है। पर ये हमारे राज्य में मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सपना देखने वाले, आपको याद होगा 2022 का जब चुनाव चल रहा था तो ये लोग जहां कहते हैं बाबा केदार के धाम का, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम भव्य केदार और दिव्य केदार बना रहे हैं, भगवान बद्री विशाल का नवनिर्माण पुनः निर्माण कर रहे हैं, चार धाम ऑल वेदर रोडे बना रहे हैं, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन बना रहे हैं, ये कहते थे कि हम सरकार में आएंगे तो हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। भाइयों बहनों, इस देवभूमि के अंदर शर्म आनी चाहिए इनको कि ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करते थे। 2022 के चुनाव में आप लोगों ने इनको अच्छी तरह से बता दिया कि उत्तराखंड के लोग क्या चाहते हैं, उत्तराखंड के लोग किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं। भाइयों बहनों, ये हमारी भाजपा की सरकार है जिसने कड़ा धर्मांतरण विरोधी कानून लाकर, लैंड जिहाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके राज्य की डेमोक्रेसी को संरक्षित करने का काम किया है। इसके अलावा हमने पूरे भारत का सबसे कठिन नकल का कानून बनाकर, कठोर नकल का कानून बनाकर 18,500 नौजवान युवाओं को नौकरी देने का भी काम किया है। भाइयों बहनों, गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को निष्पक्ष तरीके से आज नौकरी मिल रही है। थूक जिहाद, दंगा जिहाद, दंगा करने वालों के लिए भी हमने कड़ा कानून बनाया है। इतना ही नहीं, मैं आज इस बाबा विश्वनाथ के धाम से कहना चाहता हूं कि हम आने वाले समय में जल्द राज्य की किसी प्रकार की अस्मिता के साथ छेड़छाड़ और खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ भी सख्त भू का कानून लेकर आएंगे, सख्त भू कानून भी हम बनाने वाले हैं। भाइयों बहनों, आज एक कांग्रेस के नेता कह रहे हैं भाजपा महिलाओं का सम्मान नहीं करती। अरे बेटियों को तंदूर में जलाने वाले कांग्रेसी आज महिला सम्मान पर हमको लेक्चर दे रहे हैं, हमको उपदेश दे रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं इन झूठे और मक्कार लोगों को बता देना चाहता हूं कि हमारी भाजपा की सरकार है जिसने राज्य के अंदर महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 30% का आरक्षण सुनिश्चित किया है। ये भाजपा की सरकार है जिसने लखपति दीदी योजना चलाकर प्रदेश की 1,00,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम किया है। ये भाजपा की सरकार है जिसने उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर देकर प्रदेश की लाखों महिलाओं को धुएं से आजादी दिलाने का काम किया है। ये भाजपा की सरकार है जिसने देश के अंदर आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को देश का राष्ट्रपति बनाया है और उत्तराखंड के अंदर श्रीमती रितु खंडूरी को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया है। इतना ही नहीं, हमने यहां पहले स्वर्गीय सहला दीदी और अब आशा दीदी को विधानसभा का टिकट देकर मातृशक्ति का सम्मान देने का काम किया है। भाइयों बहनों, कांग्रेस को अपनी हार इस चुनाव में साफ दिखाई दे रही है और कांग्रेस वाले इतने डर गए हैं कि अब वो दिल्ली देहरादून वाले लोगों से भी कह रहे हैं कि आप लोग वोट करने ही मत जाइए वहां। अरे वोट डालने मत जाइए, केदारनाथ विधानसभा के मतदाताओं से गुहार लगा रहे हैं कि आप लोग वोट देने मत जाइए। जब इनके सारे प्रोपोगंडा फेल हो गए तो ये लोगों को वोटिंग के दिन घर से न निकलने का अपील तक करने लग गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर कांग्रेस के लोग जनता से वोट न देने का अधिकार क्यों चाहते हैं, क्यों छिड़ते हैं कि आप लोग वोट दें। आखिर ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, ये प्रश्न आप सबका भी होना चाहिए कि इन कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस पार्टी को
अगर दिल्ली वाले, चंडीगढ़ वाले या देहरादून वाले आकर यहां पर अपना प्रतिनिधि चुनते हैं तो इसमें क्या दिक्कत होनी चाहिए भाई? आज इस प्रकार की बात कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस को अपने खूनी पंजा, इस खूनी पंजे पर विश्वास नहीं रहा, या वो फिर सोचते हैं कि ज्यादा वोटिंग हुई तो भाजपा यहां रिकॉर्ड वोटों से जीत जाएगी। पर मैं आज इस विधानसभा में, इस जनसभा के माध्यम से कांग्रेस के लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप लोग कितनी भी कोशिश कर लो, 20 तारीख को केदारनाथ की, इस धरती का हर वो व्यक्ति जो केदारनाथ विधानसभा को विकसित होते हुए देखना चाहता है वो अपना वोट करने अवश्य जाएगा भाइयों बहनों, चाहे कितनी भी परेशानी हो, कितना भी कष्ट हो, लेकिन वो अपना मत करने अवश्य जाएगा, क्योंकि 20 तारीख का दिन होगा चुनाव, कमल चुनाव चिन्ह होगा, 20 तारीख का दिन होगा, जरा जोर से बोलिए, 20 तारीख का दिन होगा, 20 तारीख का दिन होगा, कमल चुनाव चिन्ह होगा। भाइयों बहनों, कांग्रेस का पूरा चुनाव कैंपेन केवल और केवल झूठी अफवाहों पर टिका हुआ है, लेकिन मैं आज आपको एक बहुत मजे की बात बताना चाहता हूं। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं यहां से, वो विधायक भी रहे हैं 2017 से 22 तक, और मेरे भी बड़े अच्छे संबंध हैं उनसे, क्योंकि मैं भी उस समय उनके साथ ही विधायक था, और हम लोगों की उनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी भी नहीं है, कोई नाराजगी भी नहीं है, लेकिन भाइयों बहनों, वो 5 साल तक विधायक थे, एक ही बात का रोना रोते रहते थे, मैं क्या कर सकता हूं, मेरी सरकार नहीं है, मेरी कौन सुनेगा, भाइयों बहनों मैं कैसे काम करूं, केवल काम न करने के लिए बहाना बनाते थे, जबकि हमारी सरकार के द्वारा उन्हें विधायक निधि के रूप में ही करोड़ों रुपए की धनराशि दी गई, लेकिन वो धनराशि कितनी है भरत सिंह जी, भाई साहब कितनी है धनराशि, वो लगभग 6 करोड़ की धनराशि वो वापस चली गई भाइयों बहनों, जिससे आपके यहां का सड़कों का निर्माण होना था, बिजली की लाइनें लगनी थी, स्कूल अस्पताल बनने थे, खड़ंजे बनने थे, कहीं पर पैदल चलने वाली सड़क बननी थी, पेयजल की योजना बननी थी, वो वापस चली गई, यानी कि ये विधायक महाशय ने उसको निकालकर क्षेत्र का विकास करने तक की जहमत नहीं उठाई, और मैं 3.5 साल से राज्य के मुख्य सेवक के रूप में काम कर रहा हूं। अब मैं इसमें तो झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं विश्वनाथ जी की कसम खाकर कहता हूं, बाबा विश्वनाथ की कसम खाता हूं कि एक दिन भी भाई मनोज रावत जी मेरे पास किसी काम के लिए। आपको बता दें कि इस दौरान देखने को मिला कि रुद्रप्रयाग में भी एक बाइक रैली निकाली गई, जिसमें खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाइक चलाते हुए नजर आए, और उनके आसपास हजारों की तादाद में समर्थक भी नजर आए जो कि उनके साथ इस बाइक रैली में शुमार हुए। इसके अलावा जिस तरीके से उनकी रैली में या फिर बाइक रैली में जो भीड़ देखने को मिल रही है, उससे साफ तौर से बीजेपी की तरफ जनता की भीड़ जाती हुई दिखाई दे रही है, जो कि केदारनाथ उपचुनाव में होने वाली वोटिंग को लेकर के नतीजे साफ तौर से तस्वीरें क्लियर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से यहां पर कांग्रेस को लेकर के जो आरोप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगाए कि कैसे घुसपैठियों को बसाने का काम किया गया कांग्रेस राज में, और खासकर लैंड जिहाद को बढ़ावा भी कांग्रेस के शासनकाल में ही दिया गया, तो कहीं ना कहीं जब से उत्तराखंड में डबल इंजन की बीजेपी सरकार आई है, तब से अगर बात हम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की करें तो उन्होंने कई सारे मसलों को लेकर के सख्त कानून भी बनाया है। फिर चाहे वो थूक जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, धर्मांतरण कानून हो, यूसीसी हो, या फिर नकल रोधी कानून हो, ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काम कर रहे हैं, और कई सारी अवैध निर्माण जो जगह जगह पर किए गए थे, इसको भी बकायदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की देखरेख में उनके कार्यकाल में इन्हें ध्वस्त किया गया है, और ये अवैध निर्माण जो है, अवैध मजार है, कहीं ना कहीं कांग्रेस के शासनकाल में इन्हें क्षय मिला था, और ये अवैध निर्माण हर जगह पर हुए थे, जो कि वर्तमान समय में उत्तराखंड में अब देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश में उनके सख्त एक्शन की बदौलत ये तमाम चीजें अब वहां पर आपको नजर नहीं आएंगी, क्योंकि इसे बुलडोज कर दिया जा रहा है। जो चीजें अवैध है उसके खिलाफ बीजेपी सरकार सख्त से सख्त एक्शन लेती है, और शायद यही वजह है कि लैंड जिहाद को लेकर के भी जो कानून बना है उसके मुताबिक अब ये जो प्रक्रिया है वो चीजें नहीं हो रही
रही है। इसके अलावा बीजेपी की धामी सरकार का ये कहना है कि जल्द ही वो उत्तराखंड के विकास को और भी ज्यादा गति देंगे और इसके लिए जल्द ही भू कानून लाया जाएगा। फिलहाल जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि केदारनाथ उपचुनाव को लेकर के तारीखों का ऐलान बकायदा किया गया, उसके बाद से ही बीजेपी पूरी तरीके से दमखम लगा करके प्रचार कर रही है और कई दफा देखने को मिला कि जो बीजेपी की उम्मीदवार है आशा नौटियाल, वो काफी ज्यादा रैलियों में भावुक भी नजर आई, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से मेहनत की है, जिस तरीके का उनका योगदान रहा है, उन चीजों को लेकर के भी उन्होंने विस्तार से बातें की है और इसी वजह से वो बार बार ये अपील कर रही है कि केदारनाथ को अगर बचाना है, उत्तराखंड को बचाना है, तो बीजेपी को जिताना जरूरी है। इस तरीके की अपील लगातार बीजेपी के उम्मीदवारों की ओर से की जा रही है, बीजेपी के नेताओं की ओर से की जा रही है। लेकिन अगर दूसरी ओर अगर हम बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस कहीं ना कहीं इन मामलों में पीछे नजर आ रही है, क्योंकि एक सर्वे भी आया था जहां पर जाने माने पत्रकार जो कि उत्तराखंड के हैं उन्होंने एक सर्वे किया था। उस सर्वे में भी दिखाई दे रहा था कि वहां पर बीजेपी की प्रत्याशी यानी कि आशा नौटियाल की शानदार जीत होगी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।